पाकिस्तान रिलेशन विद द मुस्लिम वर्ल्ड, ये टॉपिक आपने देखा था सेक्शन टू में ऑफ द सिलेबस। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पाकिस्तान रिसेंटली OIC का कॉन्फ्रेंस भी होस्ट किया था इधर इस्लामाबाद में, तो दैट्स द टॉपिक विच विल ऑल्सो डिस्कस। जो पाकिस्तान की रिलेशन है तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, चाहे टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, आपके UAE, जितने भी आपके जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट आपके आपके जो रिलेशन, सबको हम डिस्कस करेंगे बिट बाय बिट। आखिरी टॉपिक है हमारा हाइड्रोपॉलिटिक्स का इन साउथ एशिया। ये टर्म अगर आपको यकीन सुनी होगी, नहीं भी सुनी तो अगेन एज आई सेड तो सब क्लैरिटी आ जाएगी। यानी जो वॉर पाकिस्तान इंडिया के जो एक इशू हमारा एक वाटर के ऊपर चल रहा है बिकॉज ऑफ द डैम्स डिस्ट्रक्टेड इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस पर हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट रीजनल पॉलिटिक्स पे, और इंशाल्लाह इसको भी हम करेंगे फुल डिटेल में। हमारा जो आखिरी सेशन होगा, आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, वो हमारा होगा। एक्सक्यूज मी, किसी का माइक चल रहा है तो उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो रिक्वेस्ट ये होगी कि आप काइंडली इसको म्यूट कर दें। किसी का माइक चल रहा है। आई बिलीव मोहम्मद गौर हबीब है, इनका माइक चल रहा है, आप काइंडली माइक म्यूट कर दीजिए। अच्छा सॉरी, ओके। अच्छा, हमारा आखिरी जो एक सेशन होगा दैट वुड बी ऑन पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। CSS में मेरे ख्याल से पढ़ना इटसेल्फ इज नॉट एन इशू, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो है दैट इज एक्चुअली द बिगेस्ट इशू। जिस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी में जिस तरह से यूनिवर्सिटी में आप पेपर अटेम्प्ट करते थे या आप पहले करते आ रहे हैं, उस तरीके से हमें थोड़ा सा हटने के करने पड़ेगा। हेडिंग्स होगी, डायग्राम्स होगी, सब हेड टाइट हेडिंग्स होगी, आपकी रेफरेंसिंग और इस तरह की जितनी भी चीजें, रेफरेंसिंग नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एकेडमिक रेफरेंसिंग विद फुटनोट्स, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट सेइंग कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई बात आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, उसको आप बैकअप करना चाहते हैं विद सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस, वो हमने कैसे करना है, ठीक है? यानी हमने आंसर कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। दैट इज द बिगेस्ट इशू कि आप अक्सर नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, मगर आपको इश्यू आता है कि आपने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है इन वर्ड्स, और एग्जामिनर को कैसे आपने कन्वे करना है मैसेज को। दैट इज ऑफन अ बिग इशू, मैं खुद फेस करता रहा। तो बल्कि मैं जो 20 फरवरी 2020 में हमारा एग्जाम हुआ था, तो अप्रैल अक्टूबर नवंबर 2019 मैं पेपर पढ़ में काफी कर चुका था। तब तक मुझे इशू पढ़ाई से नहीं था, बट कंटेंट सारा मैंने अंडरस्टैंड कर चुका था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पेपर पर कैसे लेकर आऊंगा। मेरे साथ हर सब्जेक्ट में ये इशू होता था कि सिलेबस मुकम्मल कर लिया है, कवर कर लिया है, मगर जब क्वेश्चन सामने आ रहा है मैं बिल्कुल ब्लैंक फेस फील करता था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। तो हमारा आखिरी जो एक सेशन होगा वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि उस चीज़ को, उस इशू को कैसे हम कवर एड्रेस करेंगे और किस तरीके से हमने अपने आंसर को, अपने थॉट्स को पेपर पर लेकर आना है, और हमने एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करना है। एक बात जहन में याद रखिए, CSS यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तरह खाली ग्रेड लेने के लिए आप नहीं कर रहे, इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि बैचलर्स की है, वो वाला भी एक कैंडिडेट आएगा और एक PhD भी कंप्लीट कर रहा होगा, एक डॉक्टर भी कर रहा होगा, लॉयर्स भी कर रहे होंगे, इंजीनियर्स भी कर रहे होंगे, हर फील्ड के लोग एक फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर रहे हैं। एंड इट इज एक्चुअली द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो लोग यू हैव टू कम्पीट, तो उसमें फिर आपको एफर्ट पुट इन करने पड़ेगी एट योर मैक्स, और उसमें फिर अगेन पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स इज वन थिंग जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम इंशाल्लाह हम आखिरी लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, अब कमिंग टू दी वे कि हमने पढ़ना किस तरह है, एज इन के सेल्फ स्टडी कैसे अपने करंट अफेयर्स की करनी है, ये मैं आपको इससे चीजें बता रहा हूँ कि एक दफा हम टाइम शुरू कर लेंगे अपने कोर्स को, तो हमें हमारे पास टाइम नहीं होगा इन चीजों को डिस्कस करने के लिए। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है, जो कुछ हम लेक्चर में पढ़ेंगे दैट्स इंपॉर्टेंट, मगर उसको आप जब स्टडी करेंगे अपने घर पे बैठ के, तो आपने किस तरीके से करना है। अच्छा, करंट अफेयर्स में आपने करना क्या है कि अखबार जो है, डॉन का हो या कोई भी हो, जो आप समझते हैं अच्छा है, पर्सनली आई प्रेफर डॉन क्योंकि इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस, उसमें मुझे तो अच्छे आर्टिकल्स मिल जाते हैं। आपने अखबार की रूटीन नहीं छोड़नी, रोज सुबह बेशक हो, रात को, जिस मर्जी टाइम आपने न्यूज जरूर पढ़नी है। मैं भी आपको
खोल के भी दिखाऊंगा कि डॉम के आर्टिकल्स को किस तरह आपने पढ़ना है, किस तरीके से आपने पढ़ना है, कौन से आर्टिकल्स को पढ़ना है, कौन से को नहीं पढ़ना है। हर चीज पढ़ने की काम की नहीं होती इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीएसएस, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी सोर्सेज हैं जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो डॉन का जो हमने जो डॉन का पेपर खोलूंगा आपके सामने, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं और किस तरह पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर करनी है। शेयर द स्क्रीन नाउ जी, एक दफा कंफर्म कर दीजिए कि स्क्रीन सबको नजर आ रही है। जी सर आ रही है। चलिए वेल एंड गुड, सबको नजर आ रही है। चलिए ओके ठीक है। अच्छा अब आपके सामने मैंने डॉन का ई पेपर खोला है। ई पेपर मैंने इसलिए खोला है कि ऑब्वियसली इसी तरह का इट्स अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द एक्चुअल न्यूज पेपर जो आपके घरों पे या आपके जहां पर भी आप हैं वहां पर आता है। तो मैंने सोचा इसको आप खोल के आपको समझा दूं कि आपने करना कैसे है। सबसे पहले जब आप फ्रंट पेज देखेंगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं आपने इनको जो है ज्यादा एक आपने क्विकली पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको आपने स्किप कर देना है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट में थोड़ा समझाए तो फर्क, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स समटाइम्स बिकम डिफिकल्ट कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। अब मिसाल के तौर पर ये आर्टिकल है स्टेट बैंक लॉ एंड एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन, ठीक है। इसको आप पढ़ लें, क्विक सी नजर दे दें इस पर, अगर बहुत लंबा है तो ज्यादा टाइम ना स्पेंड करें, एटलीस्ट आपको ये पता हो कि हो क्या रहा है। उसके बाद जितने भी ये बाई चांस इस आज के दिन के जो फ्रंट पेज है इसके ऊपर जितने भी आर्टिकल्स हैं दे आर मतलब कि आप क्विकली पढ़ना है। अब ये जो आर्टिकल है ना सर बाज मेक्स हिस्ट्री बाय कॉन्करिंग द टॉप 10 पीक्स, ये आर्टिकल खाली आप सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेना एज इन की पता हो कि ये हुआ है, एज इन की नोइंग कि ये इवेंट सिर्फ हुआ है, दैट्स इनफ। पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा आर्टिकल को, ठीक है। चाइनीज कॉन्फिडेंस शेक, कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान सिक्योरिटी शेकन, इसको आप क्विकली पढ़ लें, ये अगेन इट्स इंपॉर्टेंट पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस के हवाले से इंपॉर्टेंट। उसके बाद पीपी सेटल्स फॉर सीट्स इन पंजाब कैबिनेट, इसको आप ज्यादा डिटेल में ना पढ़ें, ऐसा इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे एज इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में या पॉलिटिक्स इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उस कॉन्टेक्स में क्वेश्चन नहीं केसेस में आते, यानी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स में की बात करूँ वो नहीं आएंगे। तो इस वजह से आप इसको आप जस्ट ठीक है पता होना चाहिए बट ये है कि आप ज्यादा डिटेल में ना जाएं। अच्छा अब आई शो यू अनदर पेज, आपको दिखा देता हूँ एक दूसरा पेज, उस पर आपको देख के आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि और क्या फर्क है इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में। अब जैसे ये आर्टिकल है स्टेप्स टू बी टेकन फॉर ग्रेवयार्ड सिक्योरिटी, दिस इज यूजलेस, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हेडिंग भी ना पढ़ने बेशक छोड़ दें क्योंकि ये आपके पेपर में इस तरह के सवाल नहीं आने वाले, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी इलाके में डकैती हुई है कहीं पे बंदे मारे गए, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, दैट्स नॉट करंट अफेयर्स, दैट इज जस्ट न्यूज। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक और आर्टिकल दिखाता हूँ, इफ यू कम्स टर्न फर्दर इन, यहाँ पे हाँ अब ये आर्टिकल है गवर्नर जस्टिफाइज इनवाइटिंग आर्मी इंटरवेंशन इन पंजाब, ऑल्दो दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल बट ये कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में इसको आप एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है, एज इन के क्विकली नॉट टू मच टाइम, जस्ट थोड़ा सा टाइम देके पढ़ लें इसको, थोड़ा आइडिया आगे हो क्या रहा है, ठीक है, सिर्फ पता होना चाहिए। इस बेसिकली द पॉइंट इज के खबरें लाइक चोरी हुई इलाके में, डकैती हुई, बंदा मारा गया है, बिल्डिंग गिर गई है, इस तरह की जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जो चीज़ें जिनका नेशनल इम्पैक्ट है या जिन चीज़ों के इंटरनेशनल इम्पैक्ट है आप उनको जरूर पढ़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान रूल्स आउट रेफ्यूजी स्टेटस फॉर अफगान, ये पढ़ लें, पता होना चाहिए क्या है। इस तरह की खबरें आप बहुत ज्यादा टाइम लगा के ना स्पेंड करें, आप सिर्फ पढ़ के अंडरस्टैंड कर लें कि हो क्या रहा है। अच्छा अब ये फ्रंट डॉन में अक्सर होता क्या है कि जो फ्रंट पेज और जो फर्स्ट टू पेजेस हैं ये आपकी नेशनल न्यूज होती है, आपको देख लेफ्ट पे देख रहे होंगे ये डिवाइड भी इन्होंने किया हुआ है फ्रंट पेज और आगे सारे नेशनल लिखा हुआ है, ये आपकी पाकिस्तान की रिलेटेड खबरें हैं। अगर आप बैक पेज की तरफ जाएं तो यकीनन आप में से लोग फेमिलियर होंगे न्यूज़पेपर से, आई एम सॉरी कि अगर आपके लिए बोरिंग हो रहा हूं, मगर ये कि जो लोग नहीं है मैं उनके लिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, एक आसानी हो जाए समझने की हमने पढ़ना किस तरह है। नाउ दिस इज द बैक पेज ऑफ द डॉन, ठीक है, यहाँ पे अक्सर इंटरनेशनल न्यूज होती है और इसके बाद जो दो तीन पेजेस के पीछे होते हैं वो भी इंटरनेशनल न्यूज से लिंक्ड होते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, ये आपको मैंने हाईलाइट किया, पाकिस्तान अर्ज टू टफन लाइन अगेंस्ट इंडियन डिजाइन ऑन हेल्ड कश्मीर, ठीक है,
ये आप पढ़ लें, दिस इज लिंक टू पाकिस्तान कश्मीर, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, और कश्मीर से लिंक्ड है ये इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। ईयू न्यूक्लियर एनवॉय टू विजिट ईरान एज ब्लॉक टू सेव डील, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट, ये आपके ये इट्स लिंक टू द मिडिल ईस्ट।